अच्छा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ गंदा हरकत की है। दारू कैसे पिलाए? दारू विक्रम नहीं पिलाया, दिन ही नहीं पिलाया सर। दारू पिलाया जबरदस्ती ले गए गंदे में उठा। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि ये गैंगरेप की घटना नहीं है। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। महिला के अनुसार मायके से अपने बच्चों के साथ वो घर लौट रही थी, तभी रास्ते में चार युवकों ने उसे दबोच लिया। पहले उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई, फिर चारों युवकों ने गन्ने के खेत में इस महिला को ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। मामला यूपी के गोंडा जिले के खोड़ारे का है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की है, मगर खोड़ारे पुलिस अधीक्षक गैंगरेप की घटना से इनकार कर रहे हैं। हालांकि रेप की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, मगर महिला गैंगरेप की घटना की बात कर रही है। तीन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। सुनिए पीड़ित ने क्या कुछ कहा है। अच्छा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ गंदा हरकत किए चार लौंडे ने। गांव के थे, मायके में गई थी भाभी के घर। भाभी के घर से वापस आ रही थी ससुराल में, उधर रास्ते में बैठ गई मैं बच्चों के साथ में। उधर हम चार लौंडे थे गांव के, मेरे मायके के, मेरे पीछा कर लिए। वहाँ मुझे दारू शराब जबरदस्ती पिला के गन्ने में मुझे उठा के ले गए, मेरे साथ बुरा काम किए। रेप कब कब किया है? कल 6-7 बजे का टाइम था, शाम शाम को 6-7 बजे। हाँ। कौन सा गांव है? कौवागढ़। कौवागढ़ रानी बाग का है उधर। कौन सा थाना लगेगा? क्या थाना कौन लगेगा? थाना खोड़ारे। अच्छा जानती हो किसने किया है? हाँ, विक्रम नाम है। और कौन है साथ में? और दिनई है, बाकी उनको पता सब। तो दारू कैसे पिलाए? दारू विक्रम नहीं पिलाया, दिनई नहीं पिलाया सर। कैसे पिलाए मतलब? जबरदस्ती पकड़ के मस्ती में पिलाए, और उसके बाद पिलाने के बाद बिल्कुल मैं जरा सा मेरे मुँह में गया, उसी से मेरे मतलब हो गया। हाँ, दारू पिलाए जबरदस्ती ले गए गन्ने में उठा के। थाने पर दे रही थी? थाने पर गई थी? थाने पर? हाँ, थाने पे से आई हूँ। गैंगरेप की घटी घटना का वारदात हुआ है सर, उसमें क्या अब तक कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? देखिए सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि ये गैंगरेप की घटना नहीं है, इसका पूरी तरह से खंडन किया जाता है। एक रेप की सूचना मनका थाना क्षेत्र से आई थी, जिसमें ये शिकायत दर्ज की थी कि एक महिला के साथ एक नामित व्यक्ति ने बलात्कार की घटना कारित की गई है। संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे पूछताछ चल रही है, आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? जो भी सुसंगत धाराएं हैं उन्हीं में अभियोग पंजीकृत।